इमामों को अल्लाह तबारक व तआला इनका दिल खोल दे, जहन खोल दे, जिन मस्जिदों में इमाम और जिन मस्जिदों के मुतवल्ली, जिन मस्जिदों के सदर, जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले बूढ़े, जिनके दिल में ये बार बार बात आती है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे अगली सब में खड़े हो गए, बच्चों को पीछे करो, बच्चों को लाते मारो, आने वाली कौम का मुस्तकबिल है ये। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में भी इनके जज्बात का ख्याल रखा, तुमसे मस्जिद में इनका ख्याल नहीं रखा जाता। कौन कहता है कि बच्चों को मस्जिद में आने से रोका जा सकता है? क्या इंतजाम किए रमजान उल मुबारक की मुकद्दस सातों में? ये जो बाहर से आने वाले बच्चे, इनके लिए क्या तुमने बेहतरीन कोई खिलौने ला के रखे, कोई बेहतरीन चीज ला के रखी, कोई ऐसी कायदे ला के रखे, कोई बेहतरीन किताबें ला के रखी? क्या इनको चॉकलेट देते हो? क्या इनको बेहतरीन अफ्तार कराते हो? क्या इनसे कलमात सुनते हो? क्या इनके साथ बैठ के कुछ दिन की कुछ मोहब्बत की बातें करते हो? यह आने वाला मुस्तकबिल है, यह मुसलमानों के इमाम है, इनमें मुसलमानों के लीडर हैं, इनमें मुसलमानों के मुजाहिद, इनमें मुसलमानों के कायद मौजूद हैं, इनमें मुसलमानों की इक्तसादी मदद करने वाले होनहार मौजूद हैं। कदर ही कोई नहीं कि मस्जिद तक आ रहे हैं तुम इनकी खिदमत कर सको। बिल्कुल हैरत की बात है कि जी बच्चे जो हैं मस्जिद में आके शोर मचा रहे हैं। इनका शोर इस बात की अलामत है कि ये इमारतें मुस्तकबिल में मजबूत हाथों में रहेंगी। मस्जिद की नमाज के पीछे बच्चों की किलकलाने की आवाज़ें, बच्चों की दौड़ने की आवाज़ें इस बात का ऐलान है कि मुस्तकबिल में आने वाले दौर के नमाजी यहाँ पर पीछे मौजूद हैं जो तरबियत के मराहिल से गुजर रहे हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से हैं, दौड़ के आए, अपने नाना अब्बू के कंधों पर बैठ के नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया, मुबादा उठूंगा तो हुसैन को चोट ना लग जाए। ये नहीं कहा कि हुसैन को रोको, ये नहीं कहा कि बच्चों को पकड़ के रखा करो, नहीं, ये बच्चे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये मैदान में नहीं होंगे, अगर ये मस्जिद तक नहीं आएंगे, अगर ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का फन नहीं सीखेंगे, तो कल को कौन है जो बैठ के कुरान की तिलावतें करेगा? कौन है जो इन इमारतों की हिफाजत करेगा? एतमाज और माउज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो नन्हे सहाबी, वो भी मैदान बदर में। अब नबी अलैहिस्सलाम का काफिला चल पड़ा है, दो घोड़े, दुश्मन की फौज समझ लीजिए 1000 घोड़ सवार, फिर उनके लिए खाना बनाने वाले लोग, फिर उनके लिए नाचने वाली औरतें, फिर उनके लिए गाने वाले लोग, 1000 जंगजू, और इधर कितने 313 में घोड़ सवार कितने, दो घोड़े, तलवारें कितनी हैं, 8 तलवारें, दूसरी तरफ 1000 जंगजू हैं, 1000 तलवारें हैं, 1000 नेजे हैं, 1000 तीरंदाज हैं। और ये जब मदीने की गलियों से गुजरे तो यहूदी कहने लगे, मदीने के गैर मुस्लिम कहने लगे, मुसलमानों किस भरोसे पर जा रहे हो लड़ने के लिए? तुम्हारे बदन पर कपड़े पूरे नहीं हैं, तुम्हारे